जेनिफर के बाद ही क्यों याद आया मोनिका को इतने साल बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा का गलत बिहेवियर? क्या कोई करना चाहता है शो को डिग्रेड, या फिर सच में ही आया है मोनिका के लगाए आरोप बिल्कुल सही? जानिए मोनिका की जबानी, उनकी पूरी जिंदगी की कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोनिका भदौरिया को सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाबरी के किरदार के लिए जाना जाता है। बाबरी का असली नाम मोनिका भदौरिया है। मोनिका का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अपने स्कूल और कॉलेज के समय में मोनिका ने कई स्टेज और मॉडलिंग शो में भाग लिया है। मोनिका ने अपने कॉलेज में सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस एमपी का खिताब जीता था। कॉलेज के समारोह में भाग लेने के बाद मोनिका की अभिनय में रुचि हो गई, जिसके बाद भदौरिया टेलीविजन उद्योग में अपना करियर शुरू करने के लिए 2010 में मुंबई शिफ्ट हुई। मोनिका ने टीवी विज्ञापन और प्रिंट शूट के लिए भी काम किया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पहले 2011 में टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया है। 2013 में मोनिका ने सब टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मे में काम करने का मौका मिला, जहां मोनिका ने बाबरी कनपुरिया की भूमिका निभाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा की मंगेतर और प्रेमिका का रोल मिला। तारक मेहता का उल्टा चश्मे में बाबरी का सबसे फेवरेट डायलॉग, हाय हाय गलती से गलती हो गई। मोनिका ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया क्योंकि निर्माताओं ने उनकी फीस बढ़ाने से इनकार कर दिया था। मोनिका ने 2014 में मूवी सिंघम रिटर्न्स में भी काम किया है। उनका सपना टीवी सीरियल नागिन में मुख्य भूमिका निभाने का है। मोनिका कई ब्रांड के साथ ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वह टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं और सजदा तेरे नाम में भी नजर आ चुकी हैं। बाबरी को कई पत्रिकाओं में कवर पर भी फ्रंट पेज पर मौका मिला है। मोनिका थिएटर में भी काम कर चुकी है। भदौरिया को यात्रा करना पसंद है, अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट शेयर करना ज्यादा पसंद करती है। उनका बाबरी कनपुरिया चरित्र उनके पूरे करियर की सबसे प्रसिद्ध भूमिका है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब तक कई किरदार शो को अलविदा कह चुके हैं, जिसमें दिशा वकानी जिन्होंने दया बहन का किरदार निभाया था और टप्पू बने भव्य गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा सोनू का किरदार निभाने वाली निधि भानुशाली भी सीरियल से अलग हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो आप किसका देखना पसंद करेंगे ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।